यदि जल को मुट्ठी में कसकर बांधें, तो जल कैसे अपना मार्ग बनाकर निकल जाता है? इसी धारा की भांति यही अवस्था हमारे अपनों के साथ भी होती है। अधिकतर हम जिनसे प्रेम करते हैं, हम सदा उन्हें अपने समीप रखना चाहते, स्वयं से दूर नहीं होने देना चाहते। चिंता करते हैं, भय खाते हैं कि कहीं उनके साथ या उनसे कुछ बुरा घटित ना हो जाए, और ऐसे में हमारे अपने ही हमसे दूर हो जाते हैं, ठीक मुट्ठी में बंधे जल की भांति। इसलिए जिनसे आप प्रेम करते हैं, उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए, उनकी सोच को स्वतंत्र बनने दीजिए, उन्हें अपने मार्ग स्वयं ढूंढने दीजिए, क्योंकि आप सदा उनके साथ उन्हें मार्ग दिखाने के लिए नहीं रहने वाले। इसलिए अपनों के साथ अवश्य रहें, परंतु उन्हें बांधे नहीं। चाहे तुम्हारे पिताश्री वासुदेव के चरणों में गिर जाए, उन्हें द्वारका का समर्थन नहीं मिलेगा। पात्र का जल छलक रहा है लक्ष्मणा। जी, मैं तुम्हारे मन के पात्र की बात कर रहा हूं पुत्री। तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है? ससुर जी, वो मैं ससुर जी नहीं, पिताश्री। ससुर जी कहकर उन्हें संबोधित किया जाता है जो वधु को पराए घर की पुत्री समझे, और तुम मेरे लिए इसी घर की हो, इस नाते तुम मेरी पुत्री हुई और मैं तुम्हारा पिता। इसलिए आगे से तुम मुझे पिताश्री कहकर बुलाओगी। जी पिताश्री। तो एक पुत्री के मन में अपने पिता से बात करने के लिए कोई संकोच नहीं रहना चाहिए। तुम अपने विचार, अपनी शंकाएं निर्भय होके मेरे समक्ष रख सकती हो पुत्री। तो बताओ, तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है? मैं जो भी कहूंगी स्पष्ट कहूंगी। मैंने अपना कर्तव्य सदैव पूर्ण करने में विश्वास किया, और मुझे विश्वास है कि आप भी अपना कर्तव्य पूर्ण करेंगे। कैसा कर्तव्य लक्ष्मण, स्पष्ट कहो पुत्री। मैंने सुना है कि आप सबकी प्रार्थना सुनते हैं और उनका उत्तर भी देते, और मुझे विश्वास है कि मैंने जो सुना है वो सत्य ही है। हाँ, यदि प्रार्थना सच्चे मन से की गई और शक्तिशाली हो तो मैं अवश्य सुनता हूं। प्रतीत होता है कि ये स्थान इस भारी वार्ता के लिए उपयुक्त नहीं है। तुमने द्वारका के राजभवन के उपवन देखे? बड़े सुंदर हैं। आओ, मैं तुम्हें उपवन विहार करवाता हूं।
सात्विक शीघ्रता करो। कुछ भी हो जाए, अर्जुन द्वारका तक नहीं पहुंचना चाहिए शकुनी। द्वारका का ध्वज अर्थात मैं वासुदेव के निकट हूं, द्वारका के निकट। यहां का वातावरण खुला है, तुम खुलकर बात कर सकती हो लक्ष्मणा। कहो क्या संदेह है तुम्हारे मन में? संदेह है कि आप समर्थन के लिए पिताश्री को नहीं चुनेंगे। मन नहीं मानता, परंतु आज तक जो भी हुआ जब उसे देखती हूँ तो मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि आप पक्षपात तो नहीं करेंगे? कैसा पक्षपात पुत्री? आपने कहा था कि द्वारका में जो भी आपके समक्ष सबसे पहले पहुंचेंगे आप उन्हीं का समर्थन करेंगे। तो यदि पिताश्री पांडवों से पूर्व आपके समक्ष आ जाए तो आप उन्हीं का समर्थन करेंगे ना? उन्हीं को चुनेंगे ना? मैं पक्षपात नहीं करूंगा लक्ष्मणा, क्योंकि पक्षपात करना मेरे स्वभाव में ही नहीं है। और रही बात समर्थन पाने की, तो मनुष्य जो पाने के योग्य होता है उसे वही मिलता है, मनुष्य इच्छा करता है, मैं तो केवल उसे पूर्ण करता हूं। प्रतीत होता है कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा समय और देता हूं और एक और अवसर भी। आशा है तब तुम्हें मेरे उत्तर का अर्थ समझ आ जाएगा। और एक बात सदा याद रखना लक्ष्मणा, पहले मैं नहीं चुनता, लोग मुझे चुनते हैं। चलो अभी के लिए इस वार्ता को यहीं रोक देते हैं, क्योंकि मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना है। तब तक तुम मेरे उत्तर का अर्थ समझने का प्रयास करो। प्रतीत होता है वासुदेव कहीं के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। शुभ चिन्ह है, मुझे मार्ग में ही वासुदेव के दर्शन हो जाएंगे। मुझे अभी जाकर उनसे मिलना चाहिए। सारथी शीघ्रता करो। ससुर श्री इस समय अचानक कहां चले गए? यदि पिताश्री आ गए तो फिर क्या होगा? सुनिए महोदय, वासुदेव कहाँ है? जी वो तो उस और अपने शिविर में है। चलो सर।
वासुदेव। वासुदेव स्वागत है। मुझे लगा था कि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर गए, परंतु आप तो यहाँ गौ माता को भोजन खिला रहे हैं। जो समस्त संसार को भोजन प्रदान करती है, उस गौ माता को भोजन करवाना क्या महत्वपूर्ण कार्य नहीं पुत्री? नहीं नहीं पिताश्री, मेरे कहने का तात्पर्य वो नहीं था, परंतु मुझे लगा कि आप द्वारका से बाहर गए। मैंने कहा था कि मैं किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं बाहर जा रहा हूँ। हमें सदा वहां होना चाहिए जहां हमारी आवश्यकता, फिर चाहे वो द्वारका के अंदर या फिर द्वारका के बाहर किसी स्थल पर। स्वागत है प्रिय अर्जुन, मैं हूं वासुदेव, पौंड्रक वासुदेव। मुझे लगा आप वासुदेव हैं, परंतु आप तो बातें करने के लिए अभी बहुत समय शेष है गांडीव धारी अर्जुन, बहुत लंबी यात्रा से आए होगे, विश्राम करो, विश्राम। क्षमा चाहता हूं, मुझे लगा वासुदेव हैं इसलिए यहां रुक गए, परंतु आप वासुदेव नहीं हैं। क्या? मैं वासुदेव नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे समक्ष कौन खड़ा है? हाँ, क्या हुआ अर्जुन, इतने असमंजस में क्यों हो? तुम्हारे मुख पर ये व्यथा क्यों? प्रतीत होता है कि तुमने अब तक मुझे नहीं पहचाना। मैं ही देव हूं इस वसुंधरा का, इसीलिए मैं ही वासुदेव हूं। नहीं, तुम वासुदेव नहीं हो सकते। चाल ढाल मुका करती वही है, परंतु ना जाने क्यों मुझे ऐसा प्रतीत होता है जिनकी खोज में मैं यहां आया हूं, तुम वो वासुदेव नहीं हो। क्या? तो क्या मैं असत्य बोल रहा हूं? छल कर रहा हूं तुम्हारे साथ? पार्थ, पार्थ, मैं ही वास्तविक वासुदेव हूं, वास्तविक वासुदेव, तुम्हारा सखा, तुम मेरे पार्थ। परंतु तुमने मुझे पहचाना नहीं, बहुत बहुत पीड़ा हुई मेरे हृदय को, परंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं तुम्हारा अर्जुन, कोई दोष नहीं। इसमें दोष है तो
उस छलिए कृष्ण का। जिसने तुम्हारे जैसे ना जाने कितने भोले भाले लोगों को ठगा है, छला है तुम्हें, छला है। परंतु तुम भाग्यशाली हो पार्थ, जो तुम मुझसे मिले, वास्तविक वासुदेव से। हाँ, मैं ही वास्तविक वासुदेव हूं। जब समस्या उलझन बनकर मन मस्तिष्क पर हावी हो जाए तो उचित यही होता है कि उसे कुछ समय के लिए भुला दिया जाए, तब वो उलझन स्वयं ही अपने आप को सुलझा लेती है। मुझे ज्ञात है कि आप सब जानते, ये भी कि इस समय मैं अपने पिताश्री के विषय में सोच रही हूं। मानती हूं कि इसमें मेरा अपना स्वार्थ है, परंतु क्या ये आपका कर्तव्य नहीं कि आप मेरे पिताश्री को एक अवसर दें? अब तो वो आपके भी संबंधी है, क्या उनकी सहायता करना आपका कर्तव्य नहीं? मैं अवसर हर मनुष्य को देता हूं, परंतु अवसर का लाभ मनुष्य उतना ही उठा सकता है जितने के वो योग्य हो। और जैसे कि मैंने कहा, इस संसार का प्रत्येक मनुष्य मेरे लिए समान है। मनुष्य मुझे चुनता है, मैं मनुष्य को नहीं चुनता। जो भी मनुष्य मेरे समक्ष निरपराध और निर्दोष मन से आएगा, मैं उसी का पक्ष चुनूंगा। मैं ही तुम्हारा उद्धारक हूं, मैं ही तुम्हें जीवन का मार्ग दिखाऊंगा। बस अंतर केवल इतना है पार्थ, कि कृष्ण के पास मेरा सुदर्शन चक्र है, जो उसने मुझसे हथिया लिया था। मुझे बस वो सुदर्शन चक्र चाहिए अर्जुन, जिस पर आरंभ से मेरा अधिकार था। हथियार लिया उसने, उस चक्र को दिखाकर उसने अनेकों के साथ छल किया, छल। बस वो सुदर्शन चक्र मुझे मिल जाए, फिर सब कुछ मेरे अधीन होगा पार्थ अर्जुन, सब कुछ। क्योंकि मैं ही असली वासुदेव हूं, सारा विश्व जान जाएगा कि पुंडरक वासुदेव ही सारे विश्व का वास्तविक रचयिता है, भगवान है, ईश्वर है, वो छलिया कृष्ण नहीं है। मैं ही हूं अर्जुन, मैं ही हूं। और वो छलिया कृष्ण ढोंगी है, पाखंडी है, छलिया है ना अर्जुन, है ना? ये तो निश्चित है, ये वासुदेव नहीं, परंतु फिर इसने वासुदेव की पोशाक क्यों धारण की है? मैं आ रहा हूं छलिया कृष्ण, तुझे मेरी सहायता करनी ही पड़ेगी। मैं आ रहा हूं। क्या हुआ पिताश्री, ये गऊ इतना व्यथित क्यों है? चूंकि ये जानती है कि अब समय हो गया। कौन सा समय? मेरे विश्राम का पुत्री, थकान की अनुभूति हो रही है मुझे, अब मुझे जाना होगा। मुझे उस समय वासुदेव के समीप रहना होगा, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार का पक्षपात करने से रोक सको। मुझे पता है लक्ष्मणा कि तुम्हारे मन में क्या चिंता है, परंतु मेरा विश्वास कर, जो भी मेरे समक्ष प्रथम आएगा
मैं उसी का समर्थन करूंगा।